जो हमारे देश के हित में ना हो। लेकिन जब उसको लेकर के रिएक्शन हुए तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं, तो खराब लगा होगा। मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक बारी पहले भी मैंने कुछ आर्टिकल लिखा था एंड किसी ने लिख दिया कि मैं जो हूँ नेशनल नहीं हूँ, एंटी नेशनल हूँ। फिर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी और मुझे याद है एक प्रोग्राम था, तो मैंने सारी प्रेस को कहा मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा और मुझे बहुत दुख होता है। मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊँ कि मैं देशवासी और देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं हूँ और मुझसे ज़्यादा हम सभी हैं एक्चुअली। इसमें हम दोनों को किसी को कम्पीट भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन आई हैव टू रीड दो स्टेटमेंट्स एंड समटाइम्स मैं इसलिए ही क्लैरिफाई नहीं करता। मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए करूँगा क्योंकि आप मुझे जानते हैं और हम एक दूसरे से मिल चुके हैं सालों से। सो आई कैन ट्रस्ट कि ये वैसा ही जाएगा जैसा मैंने सोचा है। बट आई गेट वेरी सैड समटाइम्स कि क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूँ, मैं हूँ और हम सब हैं एंड हम क्यों ना हों। हमारे देश ने हमको सब कुछ दिया। वो जब भी वो क्वेश्चन उठता है, जब कोई बोलता है, मुझे बहुत दुख होता है। सब लोग आश्चर्य हुआ इस बात पर कि शाहरुख खान, जिसे इस देश ने इतना प्यार दिया, शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना बड़ा बनाया, जिसके लिए देश के करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं, वो ऐसी बात कह दे। हाँ, एंड आई फील रियली सैड बिकॉज द मीनिंग ऑफ दिस इज, मैं अभी भी यही कहूंगा, सब यंग लोगों को यही कहूंगा कि प्लीज बी टॉलरेंट, बी हैप्पी, वर्क हार्ड, टेक दिस नेशन फॉरवर्ड। जो छोटी बातें हैं वो हमारे देश के हित को खराब नहीं करनी चाहिए। वी शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी एंड वी लिव इन द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दैट इज ट्रू। मैं अभी बहुत लोग अमेरिका से आए थे तो मुझे बता रहे थे कि हमारा देश कितना इस वक्त उन्नति पे और तरक्की पर है और हर जगह हमारा इमेज कितना अच्छा है। वी आर वन ऑफ द सेफेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल नेशंस इन द वर्ल्ड एंड हमको ये छोटे मोटे तकियानूसी घटिया बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। आई विल से दैट अगेन एंड अगेन एंड दैट एक्चुअली इज एनी पर्सन इन दिस कंट्री शुड से दिस, क्योंकि आई थिंक देशभक्त वही है जो देश के बारे में अच्छी बात बोले। लेकिन जो लोग, मैं आपको जानता हूँ इसलिए मैं आपकी बात का यकीन करूँगा, इसको अप्रिशिएट करूँगा और मुझे अच्छा लगा कि आपने उसको क्लैरिफाई किया। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तब इस तरह की बातें कर देते हैं, वरना अंदर से तो वही है। वही लोग कह रहे थे क्योंकि जो पिछला इंटरव्यू था वो भी फिल्म की रिलीज पे था, तो मैंने गलत बात भी तभी की है। मैं बात ही तब करता हूँ जब फिल्म रिलीज पे होती है, वरना तो चुपचाप बैठा रहता हूँ। अगर मैं इंटरव्यूज़ के लिए तभी आता हूँ जब मेरी फिल्म रिलीज़ पे होती है और तभी ये बातों की चर्चा होती है, तो वो गलत बात भी मेरे घर में घुस के उन्होंने चुपचाप सीरी निकाली थी। वो भी फिल्म रिलीज़ हो रही थी, बात कर रहे थे, जन्मदिन का दिन था। सो इट्स नॉट दैट एट ऑल। और सी आई थिंक इतना ओछा या छोटा तो मैं नहीं हो सकता। मैं इस देश में रह के कि यार फिल्म के लिए मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, ये कर दूँ, उतना तो मुझ में अपना खुद का टैलेंट और मेहनत है कि फिल्म की बात अलग है और मैं अपने देशभक्ति के दावे इसलिए करूं कि मेरी पिक्चर चल जाए। बट पिक्चर की बात है या नहीं है ये आखिरी बार बोलता हूं मैं, इसके बाद नहीं बोलूंगा कि अब कुछ भी पंगा हो जाए। मुझसे बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं है और मैं अभी अगली बार मुझसे कोई पूछेगा तो जैसे मैं अवार्ड छीनने वाला हूं लोगों से, वैसे मैं कपड़े बड़े छीन लूंगा लोगों के। अगली बार मुझे किसी ने बोला तो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, मतलब आर कंट्री, आर मदरलैंड, भारत माता, वी ऑल लव इट। व्हाई शुड वी हैव अ टॉक लाइक दिस? एंड आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड मी, बिकॉज दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है इसको क्लैरिफाई करने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं सबको समझा सकूँ और इस बात को मैं और फिर उसके बाद भी लोग बोलते रहेंगे फिल्म में इसलिए बोल रहा है, ये कर रहा है, आपको जो समझना है समझे, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट आई एम द मोस्ट प्राउड इंडियन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आई थिंक इस देश ने किसी और को नहीं दिया है। और मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मेरी फैमिली इसकी वजह से जीती है, खुश है, और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी इस बात को अप्रिशिएट करें और मैं ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अप्रिशिएट करें। माई फादर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस नेशन, आई होप आई कैन वर्क फॉर द ग्रेटनेस ऑफ नेशन एंड सो डज माई रेस्ट ऑफ माई फैमिली।